नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक। दोस्तों, आज मैं आपको फ्रंट डेस्क का ये जो टीवी ट्यूनर है, एलसीडी टीवी बॉक्स, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास ये फ्रंट डेस्क का एलसीडी टीवी बॉक्स मॉडल नंबर JIL0622 है, जिसमें इसकी कुछ फीचर्स यहाँ पे दी गई है। सपोर्ट सेट टॉप बॉक्स, वीजी आउटपुट, वीडियो इन और आउट, इनकॉर्पोरेटेड और आरएफ ट्यूनर, ये सभी यहाँ पे दी गई है। बॉक्स के साइड में ये हमारा फ्रंट डेस्क का ब्रांडिंग है और मॉडल नंबर दिया गया है। साइड में भी वही चीज़ हमें देखने के लिए मिलता है। और बॉक्स के पीछे तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है और इस तरफ फीचर्स लाइन दी गई है। स्पेसिफिकेशन, स्लीप मोड फंक्शन, ऑडियो इन और आउट, लाइन इन, पावर इनपुट, डीसी 5 वोल्ट, 1000 mAh, और इस तरफ कैलेंडर फंक्शन, मूवेबल PIP फंक्शन, 3D इमेज, नॉइस रिडक्शन और भी बहुत सारे फीचर्स है इसमें। तो सब को छोड़ते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं बॉक्स की अनबॉक्सिंग इसकी। तो जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सामने में ये जो है टीवी ट्यूनर, ये हमें देखने को मिलता है। तो इसे हम करते हैं पहले साइड, और यहाँ पे जो है हमें इसका एडाप्टर देखने के लिए मिलता है एसेसरीज में, और भी बहुत सारी एसेसरीज है इसके साथ। ये है हमारा 5 वोल्ट 1 एम्पियर डीसी आउटपुट एडाप्टर, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और मेरा कैमरा फोकस नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने फोकस किया, आप देख सकते हैं एसी एडाप्टर मॉडल नंबर दिया हुआ है। इनपुट है 100 से 240 वोल्ट एसी, 50 से 60 हर्ट्ज़, 0.2 एम्पियर मैक्सिमम। आउटपुट है 5 वोल्ट है 1 एम्पियर, और ये मेड इन चाइना का है। तो ये हो गया हमारा एडाप्टर। और दूसरे नंबर पे जो है ये है हमारा VGA केबल, ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा कुछ VGA केबल जो है, अगर आपको टीवी और कंप्यूटर दोनों ही कनेक्ट करना है तो इस केबल की ज़रूरत होगी। ये कुछ इस तरह का, एक तरफ VGA और एक तरफ ये होता है। और तीसरे नंबर पे है हमारे पास ऑडियो कनेक्ट करने के लिए, आप इससे ऑडियो कनेक्ट कर पाएंगे किसी दूसरे चीज़ में। और ये चौथे नंबर में हमें मिलती है ऑडियो वीडियो के लिए कनेक्टर। तो वीडियो तो हम कनेक्ट कर लेंगे उसमें आसानी से, लेकिन ऑडियो के लिए हमें इस एडाप्टर की हेल्प चाहिए होगी, तभी हम ऑडियो कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए इस तरफ देखते हैं हमारे पास क्या है। ये फ्रंट डेस्क का यूज़र मैनुअल है, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो यूज़र मैनुअल में देख सकते हैं। चलिए इसे करते हैं साइड, और एक और साइड बॉक्स है, और इसमें हमें मिलता है ये फ्रंट डेस्क का रिमोट कंट्रोल, जिसकी हेल्प से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इन सब को करते हैं साइड, और अपना मेन चीज़ जो है इससे हम कर लेते हैं ओपन इस टीवी ट्यूनर को। तो ये हमारा कुछ इस तरह का दिखता है, एक और प्लास्टिक है इसमें, इससे भी मैंने कर लिया ओपन। और ये है हमारा फ्रंटेक LED LCD टीवी बॉक्स। कुछ बटन्स है इसमें, पावर ऑन ऑफ है, और वॉल्यूम प्लस माइनस चैनल, और भी बटन है इसमें। हमें साइड में मिलती है ये जो है ऑडियो आउट
इस तरफ से देखिए ऑडियो इन, लाइन इन और ऑडियो आउट। ज़रा फोकस कर देते हैं यहाँ पे, तो साइड में हमें ये देखने के लिए मिलती है ऑडियो के कुछ केबल्स, ऑडियो इन आउट और लाइन इन। और पीछे की तरफ हमें मिलती है ये 5 वोल्ट डीसी इन पावर सप्लाई, यहाँ पे देना है। और ये है वीजीए आउट, ये है वीजीए इन, और ये वीडियो इन आउटपुट के लिए है, और ये एस वीडियो इन। और इस साइड में मिलता है हमें आरएफ का एंटीना। तो कुछ ये सब हमें इसमें देखने को मिलता है। पीछे सीरियल नंबर वगैरह लगाया हुआ है। तो चलिए ये सब तो हो गया, अब इसकी बारी आती है टेस्टिंग की। इसको हम ले कर चलते हैं अपने कंप्यूटर पे, चेक करते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर के पास में आ गया हूँ, और सबसे पहले मैं इसे यहाँ से पावर एडाप्टर लगा करके पावर इसमें दूंगा, और यहाँ से ये ऑडियो केबल, ये ऑडियो इन इन में लगेगा, और यहाँ पे मेरा ये कंप्यूटर का वीजीए है, इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ वीजीए आउट में। ये इस तरीके से लगेगा, इसे लगा करके हम प्रॉपरली इसे टाइट कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से टाइट हो जाए तो फिर हमें इसमें लाइट दे देना है। यहाँ से हम इसमें लाइट दे देते हैं, इसमें पावर आ चुकी है दोस्तों। अब हम इसमें कर लेते हैं सेट टॉप बॉक्स इन। सेट टॉप बॉक्स के वीडियो पिन को यहाँ पे लगा देना है, और ये जो 2 ऑडियो पिन हैं इसे हमें इस एडाप्टर में लगा देना है, रेड को रेड में और वाइट को वाइट में। और हम इसका रिमोट निकाल लेते हैं, फिर सेट टॉप बॉक्स में भी पावर देनी होगी। तो हम यहाँ से सेट टॉप बॉक्स में भी लाइट दे देते हैं, अब इसमें लाइट आ चुकी है। वायर को मुझे पहले इसमें लाइट आ चुकी है, और हमारे सेटअप बॉक्स में भी लाइट आ चुकी है। तो अब हम रिमोट से इसे कर लेते हैं ऑन, ये देखिए दोस्तों ये हमारा आ चुका है, इसे कनेक्ट हो चुका है। अब हमें इससे इसकी सेटिंग को चेंज करके इसकी मोड को चेंज करना होगा एवी मोड में। इसे हम कर लेंगे वीडियो मोड में, और अब हमें करना है ये दोस्तों इसमें एंटीना का लाइट देना है।
जैसे ही इसमें एंटीना का वायर लगा दिया है, लेकिन शायद इसका जो है सिग्नल सही नहीं है, तो हमारा चैनल जो है अभी नहीं चल रहा है। अभी मैं आपको इसका सिग्नल ठीक करके फिर इसका चला करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने अपने सिग्नल को ठीक कर लिया है। अब इसमें लाइट है और हमारे टीवी ट्यूनर बॉक्स में भी लाइट है, और ये आप देख सकते हैं हमारे मॉनिटर पे, कंप्यूटर के मॉनिटर पे ये चल रहा है। और यहाँ देखिए, ये हमारा कंप्यूटर सीपीयू है, अगर हम इसे भी कनेक्ट करना चाहेंगे तो इसे भी कनेक्ट हो जाएगा, और हम रिमोट से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें कंप्यूटर चलाना होगा तो कंप्यूटर, नहीं तो टीवी चलाना होगा तो टीवी चला सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको चैनल चेंज करके दिखा देता हूँ अपने कंप्यूटर का। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ और सब कुछ इससे कनेक्टेड है हमारा। तो देख सकते हैं आप किस तरह से ये हमारा टीवी ट्यूनर जो है काम कर रहा है। इसकी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो आप एक्सटर्नल स्पीकर यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये सब जो है हमारा इससे टीवी ट्यूनर से चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारा टीवी ट्यूनर में ये जो है कनेक्टेड है। अगर मैं इसे निकालूंगा तो मेरा टीवी मॉनिटर जो है बंद हो जाएगा। देखिए, इसे निकालते ही और लगाते ही ये चालू हो जाता है, और ये हमारा मॉनिटर से जो है ये वायर जो आ रहा है इसमें VGA आउट में लगाना है, और अगर हमें कंप्यूटर भी कनेक्ट करना होगा तो ये VGA इन में लगा करके कंप्यूटर में लगाएंगे तो कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह काम करता है ये, और क्वालिटी तो ठीक ठाक ही है, मगर बस वही साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही वीक है। इसका जो स्पीकर है आप देख सकते हैं, मैं वॉल्यूम प्लस कर रहा हूँ 78%, 80%, ये देखिए 81 इतना साउंड है, फिर भी इसमें से बहुत थोड़ा सा ही साउंड आ रहा है। तो इसमें हमें एक्सटर्नल स्पीकर यहाँ से कनेक्ट करके चलाना पड़ सकता है। ये इंटरनल स्पीकर पे बहुत कम साउंड आ रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल स्पीकर यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। तो कमेंट करके आप हमें बताइएगा आपको फ्रंटेक जो टीवी ट्यूनर है इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि आपको रिव्यू और अनबॉक्सिंग देखना पसंद है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम और भी प्रोडक्ट का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।